हाय गाइस, वेलकम टू माय टिप्स चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने जो सैमसंग की टॉप लोड वॉशिंग मशीन का जो डेन मोटर का वीडियो लेके आया हो, इस डेन मोटर का जो प्रॉब्लम है, डेन से पानी बाहर नहीं होता है, इसके लिए हम इस डेन मोटर को खोलेंगे, खोलकर देखेंगे इसका जो अंडर जो ब्रेक है ये काम करता है नहीं करता है, इसका जो मेरे हिस्टर का जो प्रॉब्लम इस ब्रेक इधर नहीं खींचता है, इसके लिए हम इसको खोलेंगे। इसको खोलने के लिए इसमें जो चार स्क्रू है इसको खोलना पड़ेगा, खोलकर इसका जो अंदर मटेरियल है इसको देखना पड़ेगा। आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखते जाओ, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है डेली मेरे वीडियो देखने के लिए। आप लोगों को इस मोटर का कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं आप लोगों को इस डेन मोटर का जानकारी भी दे सकता हूँ। अभी मैं इस वॉशिंग मशीन का जो डेन मोटर है ये खोलेंगे, खोलकर हम देखेंगे इसका जो अंदर मटेरियल है ये देखेंगे। मैंने डेन मोटर का जो स्क्रू है ये खोल लिया है। अभी हम डेन मोटर का जो बेल है ये खोलेंगे, खोलकर हम इसका जो कवर है ये भी खोलेंगे। आप लोगों को इस डेन मोटर का कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं आप लोगों को इस मोटर का जानकारी दे सकता हूँ। हम इसको पूरा खोलेंगे, खोलकर हम इसमें ऑयल डालेंगे। आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखते जाओ। मैंने इस डेन मोटर में ऑयल डाल दिया। अभी हम इस डेन मोटर को फिटिंग करेंगे। फिटिंग कर हम देखेंगे इसका जो बेल है ये काम करता है नहीं करता है। इसके लिए हम इसका जो नॉट वगैरह मतलब स्क्रू वगैरह लगाना पड़ेगा, लगाकर देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से इसका जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो गया है। इसमें जो थोड़ा जाम हो गया था इसलिए इस प्रॉब्लम आया था, मतलब ब्रेक नहीं खींचता है। मैंने ये लगा मतलब इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है, डालकर हमने देख लिया है। आप लोगों को कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो इसका जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो गया है। आज के लिए इतना ही, हम अगले दिन मिलेंगे। मैंने इस डेन मोटर में पानी डेन नहीं होता है, इसके लिए मैंने इसमें थोड़ा ऑयल डाल दिया है, फिर ठीक हो गया। आज के लिए इतना।